हमेशा पिज्जा बनाने की जब बात आती है ना घर पर, सो एक क्वेश्चन आता है दिमाग में कि डो कैसे बनाए। सो आज मैंने आप लोगों के लिए प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, बिकॉज हम लोग बिना डो के बनाएंगे पिज्जा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मेरा नाम है गणेश अजिंगरा, शेफ KRD। सो आज हम बनाएंगे चीज बर्स्ट ब्रेड पिज्जा। काफी यूनिक और बहुत ही तगड़ी रेसिपी होने वाली है, सो वीडियो को आखिरी तक देखें। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रेसिपी। चीज बर्स्ट ब्रेड पिज्जा बनाने के लिए यहाँ पे हमें चाहिए चीज स्प्रेड। आप चाहें तो मार्केट से भी लाके यूज कर सकते हैं, लेकिन आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे आप घर पे इजीली चीज स्प्रेड बना सकते हैं। सो पहले हम लोग वो बना लेते हैं। चीज स्प्रेड बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया एक नॉन स्टिक पैन, उसको मैंने लो फ्लेम पर रखा है और यहाँ मैं डालूंगा थोड़ा सा दूध। ज़्यादा नहीं डालना है, बस ज़रा सा दूध हमें यूज़ करना है। अगर ज़्यादा हमने दूध डाल दिया तो चीज स्प्रेड उससे क्या पतला बन जाएगा। हमें यहाँ पर थिक रखना है चीज स्प्रेड को। फिर इसमें जाएगा यहाँ पे कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर है ना एक हैक है, उससे क्या होगा ना हमारा चीज़ और दूध अलग नहीं होंगे, आपस में अच्छे से मिले रहेंगे। पहले मैं कॉर्नफ्लावर को उसके अंदर अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगा। नाउ आई विल ऐड 1 tablespoon बटर। बस हमारा बटर भी जब अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाएगा, फिर मैं डालूँगा इसके अंदर प्रोसेस चीज़। यहाँ पे मैं प्रोसेस चीज़ का यूज़ कर रहा हूँ, बेस्ट है घर पे चीज़ स्प्रेड बनाने के लिए आप भी वो यूज़ करें। ये लीजिए, हमारा बटर भी मेल्ट हो गया है और अब डालूँगा इसके अंदर मैं प्रोसेस चीज़। मैंने इसको ग्रेट करके रख लिया था, उससे क्या है ना ये आसानी से मेल्ट होगी। अब इसको हम बिल्कुल धीमी आँच, ध्यान रखिए बिल्कुल धीमी आँच पर रखना आपको पैन को, और इसको प्रॉपरली हम लोग मिक्स कर लेंगे इसके अंदर। सो हमारा थिक यहाँ पर चीज़ सॉस रेडी हो जाएगा, और जब हमारा चीज सॉस थोड़ा ठंडा हो जाएगा उससे बन जाएगी चीज स्प्रेड। और आप चाहें तो ना घर पे जैसे आपको चीज स्प्रेड यूज करना है किसी और पर्पस के लिए, अभी तो फिलहाल हम लोग पिज्जा में डाल रहे हैं, तो आप इसके अंदर पेपर डाल सकते हैं तो वो पेपर चीज स्प्रेड बन जाएगा। गार्लिक थोड़ा सा डाल दीजिए तो गार्लिक चीज स्प्रेड बन जाएगा। सो आप फ्लेवर्स ऐसे बना सकते हैं चीज स्प्रेड के भी। बाकी मैंने यहाँ पे अभी सिंपल चीज स्प्रेड बना रहा हूँ, क्योंकि हमें इसको डालना है पिज्जा के बीच में। ये देखिए कितनी बढ़िया कंसिस्टेंसी आ गई है, ये देखिए है ना एकदम सॉसी वो हो गई ना कंसिस्टेंसी। बस अब मैं इसको है ना एक स्ट्रेनर की हेल्प से स्ट्रेन कर लूँगा ताकि हमारा चीज़ स्प्रेड एकदम फाइन बने। बस हमें ज़्यादा नहीं पकाना था, सिर्फ प्रॉपरली मेल्ट करना था चीज़ को, इसलिए अब मैं इसको स्ट्रेन कर लूँगा ताकि हमारा फाइन चीज़ स्प्रेड बने एकदम। और नॉन स्टिक पैन यूज़ करने का यही फ़ायदा है कि यार पूरा प्रॉपरली निकल जाता है इसमें से सब कुछ। ये लीजिए, देखिए नीचे एकदम फाइन हमारा चीज़ सॉस निकल के आ गया है, और जैसे मैंने आपसे बोला ये थोड़ा ठंडा होगा ना और गाढ़ा हो जाएगा और हमारा चीज़ स्प्रेड तैयार हो जाएगा। आप चाहें तो उसको एयर टाइट कंटेनर में ना फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। आपको चीज़ सॉस बनाते समय दो मेजर बातों का ध्यान रखना है। एक तो आपको लेना है नॉन स्टिक पैन, ठीक है, और उस पैन को आपको रखना है एकदम लो फ्लेम पे, बिकॉज हमें यहाँ पे चीज़ जलानी नहीं है, तो सिर्फ लो फ्लेम पे रखिए आप। और उसके अंदर आप कॉर्नफ्लावर डालिए, उससे क्या होगा ना चीज़ और दूध आपस में प्रॉपरली मिल जाएंगे। क्या होता है कभी कभी लम्स रह जाते हैं चीज़ के, तो कॉर्नफ्लावर डालने से वो नहीं होगा, एकदम प्रॉपरली मिल जाएंगे, और बाद में आप स्ट्रेन कर लीजिए। और एक और मेथड है डबल बॉयलिंग, ठीक है, नीचे एक आप ऐसे बर्तन लगा के उसमें स्टीम पैदा होती है, फिर आप ऊपर एक दूसरा बोल रख दें, तो डबल बॉयलिंग से भी आप चीज़ को मेल्ट कर सकते हैं, उससे भी चीज़ सॉस बन जाएगा। और अभी मैंने इसको 5-10 मिनट फ्रिज में रख दिया है ताकि उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए, सो हमारा आगे चीज़ स्प्रेड बन जाएगा। हम लोग बना रहे हैं चीज़ बर्स्ट ब्रेड पिज़्ज़ा, सो ब्रेड तो लगेगी। सो ब्रेड को अभी क्या करना है, थोड़ा सा रोल आउट करके फ्लैट करना है, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इसको रोल आउट करके थोड़ा सा फ्लैट कर लीजिए बस। और अब इसकी मैं एजेस हटा दूंगा एक नाइफ की हेल्प से, इसकी एजेस ऐसे साइड से रिमूव कर दी मैंने। ये लीजिए, ये देखिए हमारे यहाँ पर फ्लैट ब्रेड तैयार हो गई। सो आपको सारे जितने भी ब्रेड स्लाइसेस है ना सबको ऐसे फ्लैट करना है, उसकी एजेस हटानी है, और हर एक पिज्जा में हम लोग 2 स्लाइस यूज करेंगे। आपको मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, बेसिकली है क्या, ये जो स्लाइस है और ये जो स्लाइस है इन दोनों के बीच में हम लोग चीज स्प्रेड डालेंगे जो कि चीज बर्स्ट का काम करेगा।
ओवन में बेक होने के बाद। लेकिन जो ये टॉप वाली स्लाइस है ना, इसको हमें पहले थोड़ा सा सेकना है, ये कच्ची नहीं जाएगी रॉ डायरेक्टली। उसका रीज़न ये, हम ओवन में जब पकाएंगे ना पिज़्ज़ा को, तो नीचे वाला तो क्रस्ट का बन जाएगा, बेक होने का क्रस्ट बन जाएगा, नीचे से पूरा से क्रिस्पीनेस भी आ जाएगी, थोड़ा टेक्स्चर भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन ये वाले में ऐसा नहीं होगा, तो इसको हम पहले थोड़ा सेकेंगे। और अब मैं आपको पूरा असेंबली करके दिखाता हूँ कैसे हमें हमारा चीज़ बर्स ब्रेड पिज़्ज़ा को असेंबल करना है, सो आपको पूरा प्रॉपरली समझ में आ जाएगा। सो है ना, अभी रेसिपी में आगे बढ़ने से पहले मैंने सोचा कि यार प्री हीट कर लेते हैं ओवन को, तो अच्छा रहेगा, हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। सो मैं इसको प्री हीट कर रहा हूँ 180 डिग्रीज पे 15 मिनट के लिए बस। और आप लोग पूछते हैं ना कि आप कौन सा मतलब वो यूज़ करते हैं, कौन सा फंक्शन मतलब आप पिज़्ज़ा बनाने के लिए ओवन में आप कौन सा वो ऑप्शन यूज़ करते हैं, वो आपको बताता हूँ मैं अभी। सो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ कन्वेक्शन वाला ऑप्शन, जिसमें नीचे की रॉड और फैन चालू रहता है। जब तक हमारा ओवन प्री हीट हो रहा ना, तब तक हम ब्रेड स्लाइसेस को सेक लेते हैं। सो आपको दोनों साइड सेकना है इसको, ज़्यादा नहीं सेकना, आप लाइट एकदम गोल्डन कलर आते हुए देखेंगे ना, बस उसी टाइम ब्रेड निकाल लीजिए पैन में से, हमारा काम हो जाएगा। बस ये देखिए, ये ना स्लाइटली गोल्डन कलर आ गया है। बस दोनों साइड पे ऐसे कलर आने के बाद मैं सारी स्लाइसेस को एक अलग से प्लेट में निकाल लूँगा। जैसे मैंने आपसे बोला था, लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आने के बाद मैं ब्रेड स्लाइसेस को निकालूंगा। सो कुछ इस तरीके की दिख रही है हमारी ब्रेड स्लाइसेस। और आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको सैंडविच ब्रेड लेनी है जो बड़े साइज़ की होती है ना, उससे पिज़्ज़ा हमारा अच्छा बनेगा। और जो साइड हमने निकाली थी ना, उसको हम वेस्ट नहीं करेंगे, उसके ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। सो आगे कभी आप लोगों को आलू टिक्की बनानी हो या नगेट्स बनाने हो, सो उसमें आप ब्रेड क्रम्स यूज़ कर सकते हैं। चीज़ ब्रेड रेडी है, ब्रेड स्लाइसेस भी तैयार हैं, और यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ होममेड पिज़्ज़ा सॉस जो मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। सो उसकी रेसिपी मैंने तवा पिज़्ज़ा वाले वीडियो में बताई है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देखें, काफ़ी कमाल की रेसिपी है और बहुत आसान है। और आप अपनी मनचाहे टॉपिंग यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि मैंने तो यूज़ करी कैप्सिकम, स्वीट कॉर्न, अनियन और टमाटो। अगर आप नॉनवेज का शौक रखते हैं तो आप बोनलेस चिकन पीसेस भी डाल सकते हैं। अब फाइनली हम लोग असेंबल कर लेते हैं हमारा चीज़ बर्स्ट ब्रेड पिज़्ज़ा। तीन चम्मच चीज़ ब्रेड डालें, चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा होगी ना तो मज़ा आएगा बाद में खाने में। और आप लोग दोनों ब्रेड स्लाइस को पानी की हेल्प से ना, जैसे मैंने बताया आपको एजेस पे पानी लगाना है, प्रॉपरली सील कर लीजिए ताकि बेक होते समय चीज़ बाहर ना आए। अब मैं इसको बेक करूँगा 180 डिग्रीज पे 15 मिनट के लिए।
की हमारी चीज बस ब्रेड पिज्जा की रेसिपी। वीडियो पसंद आया लाइक जरूर करना, शेयर करना फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें एंड बेल आइकन दबाएं ताकि आप तक ऐसी अमेजिंग रेसिपीज पहुंच सके। बस इसी के साथ हमेशा की तरह खाइए, बनाइए, मजे करिए, खुश रहिए, खुश रखिए। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।